अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगस्त 1960 का कैलेंडर। अगस्त का महीना और 1960 का कैलेंडर ये, और इस महीने में अगस्त के महीने के अंदर सफ़र का और रबी अव्वल का महीना था। सफ़र का रबी अव्वल का महीना था। 1960 का कैलेंडर है अगस्त का। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, ऊपर जो 7 तारीख लिखी हुई है, 14 तारीख लिखी हुई, 8 तारीख लिखी हुई, 15 तारीख लिखी हुई, 9 तारीख लिखी हुई, 16 तारीख जो लिखी है वो ये सब इंग्लिश तारीख के हिसाब से लिखा हुआ है। और नीचे जो लिखा हुआ है सफ़र का महीना, तो ये इस्लामिक मंथ लिखा हुआ है और उसके बाजू में इस्लामिक डेट लिखी हुई है। तो 7 तारीख को सफ़र महीने की 14 तारीख थी, 8 तारीख को सफ़र महीने की 15 तारीख थी, 15 तारीख को सफ़र महीने की 22 तारीख थी, 14 तारीख को सफ़र महीने की 21 तारीख थी, 21 तारीख को सफ़र महीने की 28 तारीख थी। तो ये इसके हिसाब से ऐसे बनाया हुआ है। आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है या आपको कोई डेट नहीं मिली रहेगी तो मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसको जवाब मैं आपको दे दूँगा। तो 1 अगस्त को सफ़र महीने की 8 तारीख थी, 2 तारीख को सफ़र महीने की 9 तारीख थी। तो ये पूरा जो महीना है सफ़र का रबी अव्वल का महीना है। अभी मैं आपको दिखा था कि रबी अव्वल महीने की पहली तारीख कभी थी, कभी चांद रात हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 24 तारीख को, 24 अगस्त 1960 को, और दिन जो जो था वो वेनेसडे का दिन था, और उस दिन रबी अव्वल महीने की पहली तारीख थी। जैसे कि आप देख सकते हैं 24 तारीख को, 24 अगस्त को 1960 को वेनेसडे का दिन था और उस दिन रबी अव्वल महीने की पहली तारीख थी। तो वेनेसडे का दिन था, उसके हिसाब से रबी अव्वल महीना स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद में ये 2 तारीख, फिर 3 तारीख, ये ऐसे ऐसे बढ़ते आगे जाएगा। तो ये अगस्त का पूरा मैंने आपको कैलेंडर एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट है, सवाल पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी डेट्स जो है सब पूरे मेंशन कर दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट है, सवाल पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो का व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स है, इस वीडियो को वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।